2024 में कौन होगा विपक्ष का चेहरा? क्या कांग्रेस प्रियंका पर लगाएगी दांव? क्या प्रियंका देंगी पीएम मोदी को टक्कर? कांग्रेस में उठी प्रियंका को आगे बढ़ाने की मांग। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, जिसे लेकर मोदी सरकार और तमाम विपक्षी दल महामुकाबले की तैयारियों में जुटे हैं और इसी के मद्देनजर सरकार और विपक्ष में बैठकों का दौर जारी है, जहां बीजेपी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी महागठबंधन के गठन को लेकर रूपरेखा बना रहे हैं। अब आगामी मुकाबला मोदी सरकार बनाम महागठबंधन होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही लड़ेगी, जबकि विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उसमें नीतीश कुमार और राहुल गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि नीतीश पहले ही इस रेस से खुद को अलग कर चुके हैं, ऐसे में अब बचे राहुल गांधी, जिनके नाम को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता भले ही सहमत हों, लेकिन तमाम विपक्षी दलों में उनके नाम को लेकर एक राय नहीं बन रही है। और ऊपर से मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद उनके अयोग्य होने पर राहुल गांधी के नाम पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस की तरफ से जिस चेहरे की चर्चा हो रही है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जिनके नाम को लेकर कई विपक्षी नेता उन्हें बेहतर बता रहे हैं। यह प्रियंका के नाम की चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर भी उनके नेतृत्व क्षमता की खूब प्रशंसा हुई थी। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रियंका ने कुछ रैलियां की थी और इन रैलियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया था, जिसे लेकर कई पार्टी नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल से ज्यादा प्रियंका को ही दिया। वहीं कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्रियंका गांधी पर राहुल से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कह चुके हैं, और इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए, वही मोदी को सीधी टक्कर दे सकती हैं। उनका कहना है कि जितने भी क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, वो पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। वैसे जहां एक तरफ कांग्रेस में ही राहुल के नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी नेता भी राहुल को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने पर आपत्ति जता चुके हैं। इस लिस्ट में एक नाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी शामिल रहा है। 2020 में शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल के नेतृत्व में कुछ समस्याएं थी और उनमें निरंतरता की कमी भी है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राहुल की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी हैं। ममता की तरह ही अखिलेश यादव भी राहुल के नाम के पक्ष में नहीं है, और शायद इसीलिए ही 23 जून को पटना सम्मेलन के दौरान कई विपक्षी दल निजी तौर पर राहुल को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। ऐसे में विपक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर राहुल के मुकाबले प्रियंका को मैदान में उतारा जाएगा तो आने वाले समय में नतीजे बेहतर हो सकते हैं। प्रियंका गांधी की झलक उनकी दादी इंदिरा गांधी से मिलती है, वहीं उनके भाषणों में भी इंदिरा गांधी की तरह ही जनता को आकर्षित करने की कला है, जबकि उनके भाई राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कई मौकों पर उन्हें सुस्त माना गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही प्रियंका का राजनीतिक करियर राहुल गांधी के मुकाबले कम रहा हो, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अगर उनके चेहरे पर दांव लगाती है तो अभी भले ही बहुत लाभ ना मिले, मगर आगे चलकर वह ऊंचाई तक जा सकती हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी साल 2019 में आधिकारिक तौर पर राजनीति में शामिल हुई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लिए पार्टी महासचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले चुनाव में प्रियंका ने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया है।
2019 से पहले तक प्रियंका गांधी बैकडोर से एक्टिव मोड में थी, लेकिन महासचिव की कमान मिलने के बाद अब वो फ्रंट फुट पर आकर विरोधियों को ललकार रही हैं और पार्टी को आगे ले जाने का दम भर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे पर दांव लगाएगी और क्या प्रियंका पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगी या फिर तस्वीर कुछ और ही होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।